आइए, सबका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। सैमसंग ने अपने दो डिवाइसेस निकाले हैं, एक है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M10 और दूसरा है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M20। इसको लेके काफी लोग एक्साइटेड हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सैमसंग नॉर्मली अपने डिवाइसेस को काफी महंगा रखता था। मतलब अगर हम 10-8 हजार रुपए के बजट में बात करें, जो उसके सीरीज आती थी ऑन सीरीज जे सीरीज, उसके अंदर मतलब बड़े बेकार से फोन आते थे। और जो लोग सैमसंग का ही डिवाइस लेना चाहते हैं, जिन्हें सैमसंग पे ही भरोसा है, उन्हें जबरदस्ती वो डिवाइसेस लेने पड़ते थे, क्योंकि अच्छे फीचर्स वाला तो उनको वही मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। लेकिन अब अगर आप सैमसंग के उन डिवाइसेस को देखें जो 8-10 हजार रुपए की रेंज में आते थे, और अब आप इन दोनों डिवाइसेस को देखें, तो आप खुद ही कह सकेंगे कि सैमसंग ने इस बार काफी मेहनत करी है, आपको काफी सारे फीचर्स देने की कोशिश करी है। मैंने भी अपने काफी वीडियोस में पीछे बोला था कि सैमसंग को समझना चाहिए, लोगों का भरोसा है उसके ऊपर कि वो अच्छे फोन्स लेकर आएगा, तो लोग और खुश होंगे जो लेना चाहते हैं सैमसंग का फोन। और अब मैं खुद ही कह सकती हूँ कि काफी खुशी हो रही है मुझे इन डिवाइसेस को देख के, क्योंकि इससे पता चलता है सैमसंग ने कितना काम किया है अपने फोन्स पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो हमारे दोनों डिवाइसेस हैं ये 8-10 हजार रुपए के बजट में बेस्ट डिवाइसेस हैं या मोस्ट पावरफुल डिवाइसेस हैं या इनके अंदर आपको बेस्ट कैमरास मिलते हैं, ये नहीं मैं कह रही हूँ। लेकिन पुराने सैमसंग से, मतलब पुरानी जो हमारी सीरीज चल रही थी, उससे जो ये M सीरीज सैमसंग ने निकाली है, इसके अंदर काफी काम किया गया है। लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि इन दोनों में से कौन से डिवाइस के लिए जाए बंदा, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं जो भी आपको इसमें बातें बताऊंगी वो सब प्रूफ के साथ बताऊंगी। इन दोनों डिवाइसेस का मैंने पबजी गेमिंग टेस्ट कर दिया है। कईयों ने मेरे को कहा कि यार इसमें पबजी चलेगी नहीं चलेगी, तो वीडियो डल चुका है ऑलरेडी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने दोनों डिवाइसेस में जो हमें मीडियम सेटिंग्स रिकमेंडेड थी, उससे हाई सेटिंग्स पे मैंने इनके अंदर पबजी खेली है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और उसके साथ जो इनका डिस्प्ले है इन्फिनिटी वी नॉच वाला, जो मेजर पॉइंट है इन दोनों डिवाइसेस का, उसका भी हमने पूरी तरह टेस्ट किया है। मतलब कंप्लीट डिस्प्ले टेस्ट, किसकी ब्राइटनेस का लेवल क्या है, उसके साथ सनलाइट में कैसे जलता है, व्यूइंग एंगल आपको क्या मिलते हैं, 4K फाइल चलेगी नहीं चलेगी दोनों डिवाइसेस में, पूरा टेस्ट किया है। वो लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ और भी टेस्टिंग कर रही हूँ मैं इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर, वो वीडियोस भी आपके आज ही अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने इन दोनों के 3GB रैम 32GB वाला वेरिएंट लिया है। और अगर प्राइस की बात करूं तो M10 का 3GB 32GB वाला वेरिएंट हमारा 8,990 रुपए का है और M20 का 10,990 रुपए का। तो देखा जाए तो इन दोनों के अंदर हमारा 2,000 रुपए का डिफरेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फीचर्स वाइज क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों के डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहले तो देखने में आप देख सकते हैं डिवाइसेस हमारे बिल्कुल सेम हैं। दोनों के मेरे पास ब्लू कलर है, ओशन ब्लू कलर, जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है। और आपको दूर से लगेगा कि दोनों हमारे एकदम सेम डिवाइसेस हैं। पर सबसे पहले अगर आप बैक साइड में देखें तो हमारा डिफरेंस ये आता है कि M10 के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, सिर्फ फेस अनलॉक मिलता है। M20 में फिंगरप्रिंट स्कैनर है बैक साइड में। उसके बाद जो स्पीकर है हमारा नीचे की साइड आप देख सकते हैं, M10 के अंदर बैक बॉटम में ही दिया गया है बैक पैनल में, और M20 में हमारे बिल्कुल नीचे की तरफ है। और अगर हम इन दोनों की साउंड की बात करें तो M20 की साउंड हमारी थोड़ी तेज आ रही है। वो एक्चुअल में जो इसका स्पीकर की पोजीशन है उसकी वजह से आपको ये लगेगा, क्योंकि M10 के अंदर हमारा जो स्पीकर है वो बैक साइड में चला गया, तो जब भी आपने डिवाइस को होल्ड करा हो, अगर गेम खेलने में, वीडियो देखने में, या वैसे भी, वो हाथ से आपका दब जाएगा। लेकिन जो M20 है उसके अंदर नीचे की साइड है, तो उसमें आपको पूरी साउंड बाहर ही आएगी। जब स्पीकर पे हाथ रख देंगे तो कम हो जाएगी, नहीं रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, इसमें वो वाला हमारा फंडा है। वैसे अगर आप इसको डिटेल में इसकी साउंड क्वालिटी को जानना चाहते हैं तो मैंने इसका ऑडियो टेस्ट आज ही अपलोड करना है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है। दोनों का ऑडियो टेस्ट आपको आज मिल जाएगा, मैंने टेस्टिंग कर ली है, बस एडिटिंग थोड़ी सी रहती है। अब आगे बात करें तो इन दोनों के अंदर हमारे वेट में डिफरेंस आता है। M10 जो है वो हमारा 163 ग्राम्स का है और जो हमारा M20 है वो 186 ग्राम्स का है। M20 का जो वेट ज्यादा है वो उसकी बैटरी की वजह से, आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है इसके अंदर, और M10 के अंदर मिलती है 3400mAh की बैटरी। साथ में बढ़िया चीज ये है कि आपको M20 के अंदर
15 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के साथ ही मिलता है। मैंने जिसकी अनबॉक्सिंग करी थी उसमें गलती से 10 वॉट का फास्ट चार्जर कहा था, वो मेरे से गलती से बोला गया था 15 वॉट का फास्ट चार्जर है आपका। और दोनों ही डिवाइसेस के अंदर आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट, मतलब कि दोनों में आपकी 2 जियो सिम आराम से चलेगी और साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी आराम से लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्प्ले पे। दोनों के अंदर आपको इंफिनिटी वी नॉच डिस्प्ले मिलता है, लेकिन जो हमारा M10 है वो है हमारा 6.2 इंच का डिस्प्ले और जो M20 है वो है हमारा 6.3 इंच का डिस्प्ले। अब आपको सामने से देखने में, दूर से देखने में मतलब फोन तो एकदम सेम लगेंगे, लेकिन हमारे M20 का डिस्प्ले जो बड़ा है वो आप देख सकते हैं चिन साइड में। इसकी जो चिन है 20 की वो काफी कम है, बीजल्स तो ठीक है दोनों के सेम है, लेकिन चिन जो है वो हमारी काफी कम है, मतलब इस रेंज में जितने भी डिवाइसेस आते हैं उनके हिसाब से भी काफी कम नजर आ रही है और डिस्प्ले आपको बड़ा लगेगा। हमारे दोनों डिवाइसेस का साइज सेम है पर डिस्प्ले के अंदर ये जो डिफरेंस आता है वो चिन साइड में आता है। अब उसके साथ अगर हम इनकी रेजोल्यूशन की बात करें तो M10 के अंदर हमें मिलती है HD+ रेजोल्यूशन और M20 के अंदर हमें मिलती है Full HD+ रेजोल्यूशन। अब काफी लोग कह रहे हैं कि इन डिवाइसेस के अंदर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले क्यों नहीं मिलता, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक है सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इनके अंदर नहीं मिलता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इनका डिस्प्ले टेस्ट देखें जो मैंने इनकी टेस्टिंग करी है उसके अंदर आप देख पाएंगे कि इन दोनों के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया कलर्स मिलते हैं, मतलब एकदम मस्त से कलर्स आएंगे आपके और जो हमारा डिस्प्ले है वो काफी ब्राइट है। मतलब जो हमारा सैमसंग है ये अपने खुद के डिस्प्लेस बनाता है, इसने इसके अंदर कुछ वर्किंग करी है कि आपको इतना ब्राइट और कलरफुल सा डिस्प्ले दिया है वो भी बिना मतलब सुपर एमोलेड के। आप इन डिवाइसेस को अगर खुद एक बार हाथ में यूज करेंगे, इसके अंदर कुछ भी चीज देखें, कोई फोटोग्राफ्स देखें या कुछ भी देखें, आप इसको काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे। इनके डिस्प्ले टेस्ट के अंदर मैंने गेम भी खेली है, साथ में वीडियोस भी चलाई हैं, तो अलग अलग मतलब हमने देखा है कि कैसे आपको कलर्स मिलेंगे, तो बड़े ही प्यारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे इनके अंदर। अब इसके साथ काफी लोगों ने पूछा था कि इसके डिस्प्ले के ऊपर हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, गोरिल्ला ग्लास नहीं दिया सैमसंग ने, तो ऐसा नहीं है गोरिल्ला ग्लास नहीं दिया तो कोई प्रोटेक्शन नहीं दी आपको, इनके ऊपर ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन मिलती है दोनों के ही ऊपर। साथ ही इसके साथ सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये दोनों डिवाइसेस हमारे L1 DRM को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर आप अपने Amazon Prime पे या Netflix पे हाई रेजोल्यूशन पे वीडियोस देखना चाहें तो आप इन दोनों डिवाइसेस में देख सकते हैं। ये एक मतलब 8000 रुपए के डिवाइस में भी ये चीज दी है सैमसंग ने, ये काफी बढ़िया बात है। अब अगर हम आगे बात करें इन दोनों डिवाइसेस के प्रोसेसर के बारे में, तो M10 के अंदर हमें मिलता है Samsung Exynos 7870 का प्रोसेसर और M20 के अंदर हमें मिलता है 7904 का प्रोसेसर। एक में छोटा है एक में बड़ा है तो क्लियरली पता चल रहा है हमें, तो इनका जो Antutu Benchmark स्कोर है वो भी ऐसे ही आएगा। M10 का जो स्कोर है वो हमारा कम है 64,000 है और M20 का जो स्कोर है हमारा वो है 108,000। मैंने दोनों डिवाइसेस के अंदर पबजी खेली थी हाई सेटिंग स्पेस का, गेमिंग रिव्यू का लिंक जो है दोनों का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दोनों में ही काफी लोग पूछ रहे हैं कि पबजी चलेगी नहीं चलेगी, तो दोनों में चल रही है हाई सेटिंग्स में चल रही है, और उसके साथ उस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा कि बैटरी कंजम्पशन किसका कितना है, साथ में हीटिंग इश्यू का प्रॉब्लम है या नहीं है, तो एकदम मस्त आपको एक्चुअल में दोनों में परफॉर्मेंस मिल रही है। और उसके साथ अगर हम इनकी रैम की बात करें तो जैसे कि दोनों हमारे 3GB 32GB वाले वेरिएंट है, आपको M10 के अंदर LDDR3 रैम मिलती है और हमारे M20 के अंदर LDDR4 रैम मिलती है। मतलब अगर ओवर हम देखें, ओवरऑल देखें तो M20 जो है वो हमारा बड़ा डिवाइस है, बड़ा मतलब थोड़ा आगे का डिवाइस है, तो उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बेटर मिल रही है। हालांकि M10 के अंदर भी आपको सारी एक्टिविटी आपकी आराम से होगी, पबजी भी आपकी आराम से चलेगी, सारे काम होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो M20 हमारा थोड़ा ज्यादा बेटर है। अब अगर हम बात करें दोनों डिवाइसेस के कैमरास की, तो बैक में तो हमें सेम कैमरा मिलता है, दोनों के अंदर हमें 13+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 वाला हमारा मेन कैमरा और 5 वाला हमारा अल्ट्रा वाइड लेंस, तो दोनों के ही कैमरा सेम है पर डिफरेंस आता है इनके सेल्फी कैमरा में। M10 के अंदर हमें मिलता है 5 MP का सेल्फी कैमरा और M20 के अंदर हमें मिलता है 8 MP का सेल्फी कैमरा। सेल्फीज आप देख सकते हैं आपके सामने है, कोई ऐसे बहुत ही जबरदस्त कैमरा आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन पिक्स आपकी काफी सही आ जाएंगी दोनों ही, बैक से भी फ्रंट से भी। लेकिन मुझे पर्सनली देखने में जो हमारा M10 का 5 MP वाला कैमरा है सेल्फी कैमरा, वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है M20 वाले से।
हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर पिक्स ऑलमोस्ट बराबर ही आ रही है। तो ये थे हमारी ये दोनों डिवाइसेस जो कि दोनों ही काफी कमाल के डिवाइसेस हैं। अब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ आता है कि दोनों में से किसके लिए जाना चाहिए। तो प्राइसिंग अगर देखी जाए तो सिर्फ 2000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन फीचर्स वाइज जो हमारा M20 है वो हमारा काफी बेटर है। मतलब सिर्फ 2000 रुपए के डिफरेंस में आपको इसके अंदर बड़ी बैटरी मिल रही है, बॉक्स के अंदर ही फास्ट चार्जर मिल रहा है, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, बड़ा प्रोसेसर मिल रहा है, टाइप सी पोर्ट मिल रहा है। तो काफी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर, और प्राइस का मतलब पैसों का डिफरेंस देखिए तो सिर्फ 2000 रुपए का है। मेरे हिसाब से अगर आप M10 लेने वाले थे तो उसके अंदर 2000 रुपए और मिला लो और सैमसंग का एक थोड़ा और बढ़िया डिवाइस ले लो। सिर्फ 2000 रुपए के डिफरेंस में एक्चुअल में ये डिवाइस हमारा सैमसंग गैलेक्सी M20 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाता है, क्योंकि सैमसंग ने इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही काम किया है। सो आई होप जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इसके लिए जाएं या उसके लिए जाएं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपका अब दूर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट करें लाइक बटन को और शेयर करें, वो सब देख के मुझे खुशी हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेकर आती रहूंगी।